मेलघाट में कुछ वर्ष पूर्व हीरा बंबई इस गांव में लाखों रुपए की लागत से आयुर्वेद दवाखाना की इमारत और वॉल कंपाउंड का नवनिर्माण कार्य पूर्ण किया गया था, लेकिन हीरा बंबई स्थित आयुर्वेद दवाखाना गांव में शो पीस की भूमिका में बना देखा जा रहा है। इस दवाखाने में ग्रामीणों को मेलघाट में कुछ वर्ष पूर्व हीरा बंबई इस गाँव में लाखों की लागत से आयुर्वेद अस्पताल की इमारत और वॉल कंपाउंड का नवनिर्माण कार्य पूर्ण किया गया था, लेकिन हीरा बंबई स्थित आयुर्वेद अस्पताल में गांव में शोपीस की भूमिका में बना देखा जा रहा है। इस अस्पताल में ग्रामीणों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि एक नर्स पर इस अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने की बात भी सामने आ रही है। इस अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी साहित्य एवं वस्तुओं की विशेष कमी होने की बात ग्रामीणों द्वारा बताई गई है। मेलघाट कुपोषण ग्रस्त क्षेत्र है। मानसून के समय कुपोषण को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन को अलर्ट की भूमिका में देखा जाता है। फिर लाखों खर्च कर हीरा बंबई ग्राम का आयुर्वेद अस्पताल गाँव में स्वास्थ्य सुविधा सेवा से पिछड़ता हुआ मात्र शोभनीय वस्तु होने की भूमिका अदा करता नजर आता है। मेलघाट के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके, इस दिशा में जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत आन पड़ी है। कुछ वर्ष पूर्व हीरा बंबई स्थित लाखों रुपयों की लागत वाली आयुर्वेद अस्पताल की इमारत निर्माण करने के पीछे प्रशासन का क्या उद्देश्य था? क्या वो इस शोपीस बनी बिल्डिंग को देखकर ग्रामीण अलग अलग कयास लगाते नजर आते हैं? फिलहाल हीरा बंबई में मौजूद आयुर्वेद अस्पताल की बिल्डिंग रखरखाव के अभाव के बीच भंगार अवस्था की ओर भी जाते हुए देखी जा रही है। कुल मिलाकर ग्रामीणों के जनस्वास्थ्य संदर्भ में जिलाधीश से योग्य तरह की दखल देते हुए ठोस कार्यवाही करने की मांग ग्रामवासियों द्वारा की जा रही है। मैं रामेश्वर सुखलाल कास्तिकर, ग्राम हीरा बंबई के सरपंच। पिछले 2 साल से हम मेरा गाँव पे जो आयुर्वेदिक दवाखाना था वो उनका कई काम बरोबर नहीं हो रहा टाइम पे। फिर अभी उनका काम पूरा ओके हो गया, पानी का व्यवस्था भी कर दिया, फिर लाइटिंग का व्यवस्था कर दिया। फिर भी दवाखाना में मैडम हम कभी कभी आता कभी नहीं आता, तो और मैडम से मेरा चर्चा भी हुआ था। मैडम बोलता कि भैया इस पे साधन जो साहित्य वगैरह भी कम करता है, तो अपन आगे चल के उनको लेटर दे देंगे, ऐसा करके मैंने बोला था। मैंने अभी तक साहित्य का पुरवाठा नहीं हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे नियमित एक डॉक्टर होना हमारे को और एक नर्स NAM वो उसका भी ज़रूरत है, क्योंकि बारिश चालू होने का पहले। और मैं इतना ही आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जल्द से जल्द मांग पूरी हो। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज़, धारणी।